खवातीन हज़रात, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया से फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना के केसेस यहाँ बढ़े चले आ रहे हैं। अमेरिका में 2.7 मिलियन केसेस हो चुके हैं, 1,30,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं कोरोना के हवाले से। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर लॉकडाउन को सॉफ्टन अप किया था, थोड़ा बहुत खोला था और कहा था जी हम फेज टू में जा रहे हैं तो थोड़ी चीजें खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स में बाहर बैठ सकते हैं, थोड़ी फासले से बैठेंगे लेकिन बैठ सकते हैं। लेकिन एज ऑफ यस्टरडे सैन फ्रांसिस्को ने और सैन फ्रांसिस्को सिटी ने डिसाइड किया कि वापस लॉकडाउन, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो ये हालत है अमेरिका की, टेक्सास का भी यही हालत है। टेक्सास ने अपना लॉकडाउन खोला लेकिन टेक्सास वापस जो है लॉकडाउन की तरफ चला गया है, तो क्योंकि केसेस एकदम से स्पाइक किए। सो अब हल यही है कि जी लॉकडाउन में वापस, तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिलसिला चलता है अमेरिका में। आज जो डिस्कशन होगी वो होगी कि चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ। अच्छा, चाइना इंडिया के स्टैंड ऑफ में अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है? अमेरिका खामोश है, अमेरिका ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि मीडिएशन की बात की है सदर ट्रंप साहब ने। लेकिन सदर ट्रंप साहब इस वक्त काफी अरसे से, जब से कोरोना आया है, उसको चाइनीज वायरस कह रहे हैं, हमले कर रहे हैं चाइना के ऊपर, वर्बली हमले कर रहे हैं। उससे पहले जो है टैरिफ का सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, तो वो बड़े क्लियर थे सदर ट्रंप साहब चाइना के अगेंस्ट, यानी कि खुल के वो चाइना के अगेंस्ट जा रहे थे। लेकिन जब इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ, उसमें सदर ट्रंप ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई जो है वो इंडिया के साथ जाके खड़े नहीं हुए। और अक्सर ये कहा जाता है कि खामोशी जो है वही स्टेटमेंट होती है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में या एक थ्रेट है। मेरे साथ आज मौजूद है बहुत अहम शख्सियत, जाने माने पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुशर्रफ जैदी साहब, और साथ ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मिसबा आजम साहब। मुशर्रफ जैदी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है इस्लामाबाद में सब चीजें खैर खैरियत होगी। तो बताइए जैदी साहब के क्या ये जो आपने अभी एक आर्टिकल भी लिखा था, और उस आर्टिकल से मैं स्टार्ट करूंगा, उसकी जो आखिरी स्टेटमेंट थी उसमें तो थोड़ा डरने सहमने वाली बात थी, या पता नहीं तैयारी की बात थी कि इंडिया अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा और कोई एडवेंचर कर सकता है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड है और व्हाट इज पाकिस्तान थिंकिंग, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर, पाकिस्तान में इस वक्त क्या तैयारी की जा रही है और क्या सोचा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फराज मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हम ये खदशा जो है उसका इजहार करते हैं कि हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे हमलावर हो सकता है, तो उसमें खौफ कम और तैयारी का अंसर ज्यादा होता है कि भाई जो भी अब आने वाले दिनों में अगर कोई मुश्किल वक्त, कोई भी जंग होती है, कोई भी मुल्क जो है हमला जब उस पर होता है तो जाहिर बात है मुश्किल वक्त होता है, आपको डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को मोबिलाइज करना होता है, आवाम को जो है तकलीफें सहनी पड़ती हैं, लोगों को खास तौर पे माओं को, बीवियों को, बच्चों को, बहनों को जो है शहादतें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो एक तरह से the idea was to warn के इस वक्त हिंदुस्तान जो है जिस तरह की तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरह से वो मिसगवर्न हो रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन का एक आसान जो है रास्ता निकालने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी गन्स को ट्रेन करे। जिस दिन आर्टिकल पब्लिश हुआ, मेरा वीकली कॉलम ट्यूजडे को होता है द न्यूज में, तो उसी दिन दोपहर को, ये बल्कि शाम को शायद कहना चाहिए, हिंदुस्तान में दोपहर शाम, यहाँ की दोपहर शाम पाकिस्तान की, कि हिंदुस्तान ने 50% कमी का अनाउंसमेंट किया कि जो पाकिस्तान का सफारत के लिए जो हमारी जो एम्बेसी है वहां पे, उनमें 50% जो है रिडक्शन उन्होंने डिमांड की कि पाकिस्तान करे। तो एक तरह से ये डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट तो शुरू हो चुकी है, उसके बाद तसलसल के साथ उससे पहले से एलओसी पे जो है एलओसी को हॉट रखने की, एटलीस्ट वार्म रखने की कोशिशें जो है वो काफी अरसे से जारी हैं। कॉन्स्टेंटली मिनिस्ट्रियल लेवल पे हिंदुस्तान में कॉन्स्टेंटली रोजाना तकरीबन हमला होता है कि जी पीओके हम वापस लेंगे, उनके कहने में पीओके मीन्स आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वापस वो क्या लेंगे जब कभी वो था ही नहीं उनका, ना ऑक्यूपाइड कश्मीर उनका है ना आजाद कश्मीर उनका है। फिर वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हम छीनेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में ये बड़ी लाइटली ली जाती हैं और एक तरह से लेनी भी चाहिए, क्योंकि जब कोई ट्रोल कर रहा हो, जब कोई
मतलब एवं आपको जो है चीजें बोल रहा हो तो उसको इग्नोर करना ही बेहतर होता है और हम आदी हो गए इस चीज के। लेकिन इशू ये कि अब जो ट्रोल्स थे जो इंटरनेट पे आके ये बातें करते थे या कभी कभार किसी का कॉलम आ जाता था उसको तो इग्नोर आप कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत में आला तरीन अहदेदारान जो है जब ये बातें कर रहे हो तो कम से कम एक तैयारी का जो एलिमेंट है वो पाकिस्तान को जहन में रखना उसके लिए बड़ा जरूरी। तो ये मेरा मकसद मुशर साहब। अब लेकिन एक सिनेरियो देखते हैं कि सिनेरियो ये है कि जी इंडिया का इस वक्त हालत बुरी हुई है, उनके 20 फौजी मारे गए हैं, वो अलग बात है कि इंडियन मीडिया जितना मोरल हाई करना चाहे करता रहे, लेकिन हकीकत ये 20 फौजी चीन ने मार दिए उनके। अगर वो कोई एडवेंचर करते हैं पाकिस्तान की तरफ और फिर से एक अभिनंदन का वाकया हो जाता है तो सर वो तो मतलब ऐसी की तैसी, जो हमारे आसान लफ्जों में कहा जाता है, इंडिया का तो फिर मोरल बिल्कुल ही लो हो जाएगा, उनका मीडिया का जितना भी कवर करे। अच्छा यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जाहिर बात है बतौर पाकिस्तानी हमें अपनी हमारी जो फौज है, एयरफोर्स है, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, नेवी है, जितनी भी सिविलियन सिक्योरिटी सिस्टम के अहलकार हैं उन सब पे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो फिर स्किल और कैपेसिटी ही नहीं सिर्फ जो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में है बल्कि एक जज्बा और एक वो उसमें कोई मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं है कि हम केपेबल हैं अपने आप को डिफेंड करने में। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया फराज, किसी भी जंग की सूरत में लॉसेस और तकलीफ जो है वो 100% दोनों साइडों पे होती है। अभिनंदन का वाकया जो है वो पाकिस्तान की स्किल थी कि उसने इस तरह से अब्सॉर्ब कर दिया कर लिया उस अटैक को और अपने आप को बर्तर दिखाया उस डॉग फाइट में या उस कॉन्टेस्ट में। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर दफा यही होगा, इवन दो पाकिस्तान जो है वो सुपीरियर स्किल्स के साथ जो है मैदान में एंटर कर रहा है, हमेशा सुपीरियर स्किल्स वाला जो है रिवॉर्ड नहीं होता, कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है जंग के लिए तैयारी एक चीज है लेकिन उसमें एक तरह से मखमूर हो जाना कि हम उनको मार पिलाएंगे या उनको बेइज्जत करेंगे। मेरा सवाल साहब इस तरफ था कि जब भी कोई वॉर की जाती है, कोई एडवेंचर की जाता है, एक रिस्क असेसमेंट होती है। अजीत दोवल साहब का जो डॉक्ट्रिन है उसमें क्या ये रैशनैलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि एक रिस्क असेसमेंट तो ये कि अभी चीन से हमारा मसला चल रहा है, अभी हमें एक और वॉर फ्रंट खोलने पाकिस्तान की तरफ, तो हम तो अपना जो नॉर्दर्न बॉर्डर है फिर उसके बाद जो वेस्टर्न बॉर्डर है दोनों तरफ वॉर फ्रंट खोलने, नेपाल के साथ मसला अलग ही चल रहा है, तो ये आई डोंट नो कि रैशनैलिटी का बिल्कुल खत्म हो गई है मोदी साहब और अजीत दोवल के डॉक्ट्रिन में या उनकी सोच में। देखिए किसी भी चीज को डॉक्ट्रिन देने से पहले एक डॉक्ट्रिन एक मेरे ख्याल एक लकब है, एक ऑनर है। डॉक्ट्रिन के लिए आपको सोचना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिर गुफ्तगुशनीद करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है, फिर लोग आपके डॉक्ट्रिन के आके धज्जी उड़ाते हैं, फिर आप उसको डिफेंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो फिर वो डॉक्ट्रिन की शक्ल में आता है। ये जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है और ये बहुत सारे ममालिक में हो रहा है, मैं समझता हूँ जो बर्तानिया में ब्रेक्सिट का पूरा हमने देखा, उसके बाद इवन जो कोविड की हैंडलिंग है, जो डिफिड को उन्होंने जम करने का जो फैसला किया एफसीओ में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में अक्सर ऐसी चीजें कभी कभी हमें नजर आती हैं जो बड़ा एक तरह से अफसोस होता है कि इस तरह से फैसला साजी नहीं होनी चाहिए। उसमें उन चीजों को डॉक्ट्रिन का लकब देना मेरे ख्याल है थोड़ा सा कबलज वक्त और फ्लैटरिंग है। जो अजीत दोवाल करते हैं वो बदमाशी है, टेररिज्म है और ट्रोलिंग है। जो मोदी सरकार ने गुजरात में किया उसमें शायद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो यूजफुल थी कि वो परफॉर्म कर सके, लेकिन जो उनकी मकबूलियत का राज था वो मुसलमानों को मारना था। उसको उन चीजों को सब उस सारे जहर को पीते हुए पाकिस्तानियों ने 2014 में उनको एक तरह से वेलकम तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन उनके साथ काम करने की कोशिश की। हमारे पिछले वजीर आजम ने भी की, हमारे जो दो आर्मी चीफ्स उस दौर में एक राहिल शरीफ और उसके बाद अब जनरल बाजवा और साथ में जितने भी इंटेलिजेंस सर्विसेज के हेड्स हैं, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे और अब इमरान खान वजीर आजम है, इन सब ने इनके साथ काम करने की कोशिश की। उस सारी चीजों का जो सिला मिला पाकिस्तान को वो क्या था, बालाकोट में अटैक। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये अजीत दोवाल की डॉक्ट्रिन है तो फिर ये कभी भी रैशनल नहीं थी और ये डॉक्ट्रिन कहलाने का काबिल नहीं है। और इसलिए मैंने ये जो एक तरह से वार्निंग या जो कॉशन मैं दे रहा हूं कि वो अटैक कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कि ये उनके डॉक्ट्रिन कैसा है, वो इसलिए कि वो अंधाधुंध फायरिंग करने के आदी हैं
उनको जब इलेक्शन जीतना होता है या जब अपनी इज्जत का जो है उनको ज्यादा होता है कि किसी तरह हम इज्जत बचा लें, तो वो फौरन पाकिस्तान पे मुसलमानों पे हमला आवर हो जाते हैं। ये इसको डॉक्ट्रिन हमें नहीं कहना चाहिए, ये तो वही गली के मतलब जो लौंडे होते हैं जिसको और कोई काम नहीं आता, तो मतलब पहले गाली देंगे फिर पत्थर मारेंगे फिर थूक लेंगे, ये इससे ज्यादा इसका मैं नहीं समझता इसका रुतबा है। रैशनल थिंकिंग ही नहीं है, रैशनल थिंकिंग खत्म हो गई है, सिर्फ बदमाशी है। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्टिकल लेवल पे तो रैशनल हो सकता है, लेकिन अगर एक ऐसा मुल्क जो ग्लोबल स्टैंडिंग जिसकी हो और जो बढ़ सकती है, हिंदुस्तान अभी जिसको जिसका ग्लोबल पावर पोटेंशियल है वो उसके 10% पे भी नहीं पहुंचा है, तो ऐसी स्टेज पे स्ट्रेटेजिकली ऐसे फैसले करना कि चीन से भी लड़ाई ले ली, बालाकोट में अटैक कर दिया, 5 अगस्त को एनेक्स कर लिया कश्मीर को, ये सारी की सारी चीजें रैशनैलिटी से मुंसलिक नहीं है ना सेल्फ इंटरेस्ट से मुंसलिक है, ये एक अंदर आपकी एक आग लगी हुई हो नफरत की और उसको बुझाने की आप कोशिश जो है मजीद आग के साथ कर रहे हो, तो वो आग को आग से जब मिलाते हैं तो आग बढ़ती है। ठीक, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर मिसबा आजम, आपकी तरफ आता हूं मैं। ये सदर ट्रंप साहब जो हैं, ये कुछ दिन पहले गए थे और इंडिया गए, इंडिया में खूब गोलगप्पे चाट वगैरह खाई और जो है उनकी 56 इंच की जो छाती थी मोदी साहब की उसको मजीद शायद जो है उन्होंने उसको 60 इंच का करने की कोशिश की और बड़ा सिलसिला हुआ। इंडिया ने कम अज कम यही पोर्ट्रे किया कि हम अमेरिका हमारे साथ है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस वक्त सदर ट्रंप साहब जो है उन्होंने कोई हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की बात नहीं है, बल्कि एक और उन्होंने जो काम किया जो कि पिछले ही हफ्ते किया वो ये किया कि H1B वीजा जो थे उसके ऊपर होल्ड लगा दिए और वो होल्ड ऐसा लगाया कि ना रिन्यू हो सकता है ना नए H1B वीजा मिलेंगे इस साल, उन्होंने उसकी डेट को पुश आउट कर दिया, जिसके जो सम में ज्यादा हैवी सफरिंग होगी वो यहाँ पर रहने वाले अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों को होगी, क्योंकि H1B के अंदर 75% जो है वो हिंदुस्तानी आते हैं, तो उनको या तो वापस जाना पड़ेगा, वो परेशान होंगे, या किसी और मुल्क में जाएंगे या उनको हिंदुस्तानी जाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने एक नई इंडिकेशन दी है जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस ही सफर कर रहे हैं, और उन्होंने इस वक्त सदर ट्रंप साहब ने चाइना के खिलाफ वो बातें कर रहे थे, लेकिन जब इंडिया का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो उन्होंने चीन के खिलाफ कोई बात नहीं की बल्कि हिंदुस्तानी को साथ देने की बात भी नहीं। क्या वजह ये कि अमेरिका ने नई पॉलिसी जो अनाउंस की है? देखिए फराज, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और हमारे मुशर्रफ जैदी साहब का। मुशर्रफ जैदी साहब का एक और इंट्रोडक्शन है, वो ये है कि ये फॉरेन ऑफिस के एडवाइज़र भी रहे हैं, तो इस वजह से इनको बड़ी कमांड है। जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर, देखिए फराज, अमेरिका की जो ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है ना वो बड़ी पॉपुलिस्ट पॉलिसी है अमेरिका टूवर्ड्स अमेरिका, कि वो अमेरिका के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जो कि पिछली हुकूमतें जहां पर नहीं करती थी, जैसे ट्रेड का मामला है विद चाइना और अदर कंट्रीज, उन्होंने एटलीस्ट एक तरह का ये रेटरिक क्रिएट जरूर किया है कि ही इज ट्राइंग टू डू इट फॉर US, और इस तरह की चीज़ें जब वो करते हैं जो आपने अभी जिक्र किया जिसमें उनकी पॉलिसीज टूवर्ड्स H1B वीज़ा वगैरह है, तो वो ये नहीं देखते कि इससे इंडिया को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, वो ये देखते हैं कि अमरीका को क्या फायदा हो रहा है, तो ये तो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि आजकल वो ट्रबल में भी हैं, तो इस वजह से उन्होंने ओपनली तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आप देख लीजिए कि ओवरऑल जो अमेरिकन लॉ मेकर है वो इंडिया की तरफ बहुत ही टिल्टेड है। अब जैसे मिसाल ले लें, अभी रिसेंटली हमारे आदिल नजम साहब के जो डेली एक टॉक होती है उसके अंदर एडमिरल स्टिब्रिड्स, जेम्स स्टिब्रिड्स जो के पहले नेटो के कमांडर होते थे, वो आए और उन्होंने आके वही बातें की जो कि हम और आप बहुत अरसे से सुनते रहते हैं कि भाई इंडिया जो है एक बहुत बड़ा पावर है, वो तो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, आफ्टर कोरोना उसकी बड़ी वैल्यू होगी, और आप देख लें कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट नाउडेज। लेकिन सिंस अब वो जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट की पोजिशन लेने में आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। ये बताता है कि जो लॉ मेकर है वो स्टिल यही सोचता है कि उन्हें इंडिया को सपोर्ट करना है, द पॉलिसी ऑफ द पिवट इन एशिया वगैरह जो है, और चाइना के अगेंस्ट उन्हें कोई पावरफुल एंटिटी दरकार है जिसको वो यूज करें, जिस तरह से कम्युनिज्म के अगेंस्ट उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया। सेम क्वेश्चन टू यू, आप क्या समझेंगे कि सदर साहब ने सिग्नलिंग की है, क्या की है?
देखिए, मेरा ख्याल है कि ज्यादा बड़ा जो सिग्नल मैं जो रीड कर रहा हूँ वो तो न्यू दिल्ली की तरफ से मुझे नजर आ रहा है। दिल्ली जो है वो चाहता है कि अमेरिका के साथ ज्यादा खुर्बत हो उसकी, लेकिन अगेन जो पिछली हम बात कर रहे थे डॉक्ट्रिन की, उसका एक तरह से फेलियर या उसका क्लैप्स जो है वो इस तरह भी नजर आता है कि S-400 की डिलीवरी की बात हो रही है, तकरीबन 30 जहाज रूस से लेने की बात हो रही है और साथ साथ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने की बात हो रही है। चीन के साथ ट्रेड जो है वो उसका ट्रेड इम्बेलेंस भी काफी सब्सटैंशियल है और सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट जो एक्सपोर्ट्स जाती हैं हिंदुस्तान में वो चीन से जाती हैं। बहुत बड़ा जो एक वो है मैग्नीट्यूड है इनके बायलैटरल ट्रेड का। डोमेस्टिकली बातें उसकी हो रही हैं कि जी बॉयकॉट होगा और चीन जो है उससे हम दूरी इख्तियार करेंगे। इन सब चीजों में कुछ ना कुछ तजाद जो है वो जरूर नजर आता है। अमेरिका के साथ जो इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान के, उनमें हिंदुस्तान का अमेरिका का प्रॉक्सी बन के चीन को कंट्रोल करने का फायदा अमेरिका के लिए तो नजर आता है, लेकिन इसका मटेरियल बेनिफिट जो है वो हिंदुस्तान के लिए क्या है वो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, क्योंकि चीन ऑलरेडी P5 का यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है उसका एक हिस्सा है और रूस भी उसका हिस्सा है, तो उसमें दाखिल होने के लिए ये कंसेंसस जो परमानेंट मेंबर्स का चाहिए वो तो कभी भी ना था और ना आज है। तो अगर अमेरिका उनकी जो बिड है फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अगर इसलिए वो ये चाहता है ताकि वो फिर रीजनली जो है एज अ ऑफसेट जो है सर्व कर सके, तो उसके लिए तो उसको चीन और रूस को भी मनाना पड़ेगा, नॉट टू मेंशन द अदर परमानेंट मेंबर्स। फ्रॉम एनी एंगल इमेजिनेबल, ना हिंदुस्तान के पास उस तरह का कैपिटल है अपना, ना उसके पास वो मार्केट है कि वो उस तरह से कंपीट कर सके वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के साथ। तो फ्रॉम एनी परस्पेक्टिव पॉसिबल कंपीटिंग विद चाइना फॉर इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको छोटा सा उसी रीजनली भी मुश्किल साहब आप एग्री नहीं करेंगे, रीजनली भी नॉर्थ में चाइना से मसला हो गया, वेस्ट में या पाकिस्तान में तो मतलब हिंदुस्तान तो घिरा हुआ फिर तो, मतलब उसके लिए अमेरिका का जो पर्पज है या उसका जो अमेरिका की जो ख्वाहिशात है वो सर्व करने के लिए उसके लिए खुद के लिए इंडिया के लिए कितना बड़ा रिस्क है। देखिए टैक्टिकल लेवल पे मैं समझता हूँ कि अमेरिका बिल्कुल हिंदुस्तान की मदद करेगा और टैक्टिकली आई वुड ऑल्सो से कि इसमें पाकिस्तान को बहुत चौकसबंद रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा गुस्सा है इस वक्त अमेरिका में जो पिछले 20 साल में बिल्ड हुआ है। जितने भी अफगानिस्तान के वेटरन्स हैं जो पॉलिसी मेकिंग के दायरे में जो है जिनका थोड़ा सा असर रसूख है, थिंक टैंक्स में काम करते हैं जिसको आप बेल्टवे कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा असर है वेटरन्स का, उन सब का ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बहुत बुरा किया और उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह एक अच्छे किराए के दोस्त को देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को कभी ये समझ नहीं आई कि इतना बड़ा मुल्क जो है वो कभी भी किराए के लिए खरीदा जा नहीं सकता। लगता तो शायद होगा और शायद अंदरूनी तौर पे भी हमने एज पाकिस्तानी हमने अपनी तनकीद बड़ी की है कि ये हम क्यों जो है एज अ प्रॉक्सी एक्ट करने को तैयार होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है व्हेन यू स्टेप बैक अ कपल ऑफ स्टेप्स और आप देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान का बिहेवियर है ये क्या है, तो रिमार्केबली कंसिस्टेंट बिहेवियर है और वो बिहेवियर ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा वो किया है जो उसके इंटरेस्ट को सूट करे वीजा वी द प्राइमरी एंड प्रिंसिपल थ्रेट। हमने तो अफगान वॉर में भी ये किया, हमारा तो जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन अब सवाल ये भी आता है ना, तो हमें इस वक्त पाकिस्तान को क्या सिग्नलिंग करनी चाहिए? चीन आपका दोस्त है, अमेरिका से भी आपको आपके मामला चल रहे हैं, अफगानिस्तान में मामला चल रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान खामोश है, इस पूरा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में पाकिस्तान का कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है और चीन आपका दोस्त है, चीन ने आपका अक्सर जगहों पर डिप्लोमेटिकली भी साथ दिया है, मिलिटरीली इतना नहीं लेकिन डिप्लोमेटिकली तो बहुत साथ दिया, तो हमें क्या करना चाहिए डिप्लोमेटिकली इस वक्त? इसमें दो राय कोई नहीं है कि खामोशी या कंजर्वेटिव बिहेवियर इस वक्त, रिस्क अवर्स बिहेवियर जो है वो सबसे आसान और अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और ये मैं इस हुकूमत की बहुत सारी चीजों पर जो है मैं इख्तलाफ भी करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ, ये बहुत अच्छा जो है इस वक्त मौकफ रहा है पिछले 4-5 दिन से इस इशू पे, बल्कि अब तो 8-10 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें कोई जो है सुनने को नहीं मिला है। मेरा अपना व्यू ये था इनिशियली कि शायद इतना आगे और इतना कंजर्वेटिव भी होना चाहिए कि ऑफिशियली पाकिस्तान को पीस और रिस्ट्रेंट की बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से चीजें हुई हैं वो चीन ने खुद मैनेज कर लिया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ना इसमें बोलने की जरूरत है ना दखल अंदाजी की जरूरत है।
लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि इस वक्त जो अहम तरीन पाकिस्तान में जिस चीज को हमें सबको फरोग देना चाहिए वो ये कि हम अपने लोगों को ये समझाएं कि पाकिस्तान एक कनेक्टर स्टेट है। पाकिस्तान उस खित्ते पर बना है जो चार या पांच सिविलाइजेशंस को जोड़ता है एक दूसरे के साथ, चार या पांच बड़ी पावर्स को जोड़ता है एक दूसरे के साथ, और इन पावर्स को जोड़ने का जो रोल है उसमें लड़ाई झगड़ा कम और ट्रेड और आमदोरफ्त ज्यादा जो है उस पर फोकस रहना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान न्यूट्रलिटी तो कभी नहीं हो सकती, चीन के मामले में पाकिस्तान शायद न्यूट्रल कभी ना सके, लेकिन पाकिस्तान को यह वाजे करना चाहिए कि पाकिस्तान का बहुत अहम एक वो समझता है कि अमेरिका का किरदार है इस खित्ते में भी और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में भी। पाकिस्तान के कुछ बहुत अहम इंटरेस्ट हैं जो अभी भी सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन डीसी ही पूरे कर सकता है। पाकिस्तान का पाकिस्तानियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सातवीं बड़ी डायस्पोरा कम्युनिटी पाकिस्तानी है अमरीका में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट एज अ सिंगल कंट्री मार्केट, ईयू तो जो है जॉइंट वो है, लेकिन वो सबसे बड़ी मार्केट सिंगल कंट्री जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका की पावर आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे, वेस्टर्न कैपिटल्स में, लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में इतनी है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज जो है वो वहीं से एड्रेस होंगे। ठीक है, छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद आगे कन्वर्सेशन को मजीद बढ़ाते हैं। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। डॉक्टर मिसबाह आज़म, आपकी तरफ में आता हूँ। सर, सवाल ये है कि जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने फरमाया, ये वही बात है जो कुछ दिन पहले डॉक्टर आदिल नजम ने हमारे शो पे कही थी कि जी पाकिस्तान को नीमे नीमे रहने की जरूरत है इस वक्त। सर, वो तो वही बात है, आप इससे एग्री करेंगे, क्योंकि अक्सर नीमे नीमे रहना होता बड़ा मुश्किल है। कहना आसान है कि जी हम लोग न्यूट्रल रहे, लेकिन अगर चाइना की तरफ से कोई प्रेशर आता है कि जी आप कुछ बोले तो फिर मसला तो हो जाता है ना, जब आपकी दोनों तरफ डिपेंडेंसीज हों। फराज, देखिए नीमे नीमे रहने, जब डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आदिल नजम साहब ने ये बात कही थी तो उन्होंने उसको थोड़ा सा एलेबरेट भी किया था, अगर आपको याद हो। नीमे नीमे रहने का ये मतलब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और मेरा ख्याल से ज़ैदी साहब भी एग्री करेंगे कि बिल्कुल से नीमे नीमे तो हम लोग नहीं रह सकते, कि ये हम लोग ऐसे एक एरिया में, ऐसे खत्ते में हैं। अच्छा, जहाँ तक मसला है चाइना का, कि आप देखिए चाइना भी इस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को कन्फाइन रखे और उस पर ज़्यादा बातें ना हो। अब जैसा आपको पता है, माय वाइफ इज़ फ्रॉम मेनलैंड चाइना, तो उनका एक पूरा नेटवर्क है जिसमें वी चैट के ऊपर, जिसमें दे टॉक अबाउट इट। और अगर आप देखिए, मैं उनसे हर रोज़ पूछता हूँ कि कोई भी ऐसा डिस्कशन या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि इस इशू पे बात कर रहा हो, सो शी डज नॉट इवन नो दैट कि ये कुछ हो रहा है, क्योंकि शी से कि देयर इज नो टॉक अबाउट इट। ये बताता है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है, जो कि पूरा वहां पे मीडिया कंट्रोल करती है, वो इस चीज को ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, वो इस चीज को एक तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि आम लोगों में उसकी कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है। तो पाकिस्तान जो है उसे नजर तो जरूर रखनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कश्मीर इन्वॉल्व है। लेकिन जहां तक यह है कि पाकिस्तान जो है बाहर आकर शोर मचाए उसके ऊपर, वो बनता भी नहीं है। आप देखिए कि पाकिस्तान डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो इनडायरेक्ट है इस इशू पर, और यह अच्छा है कि चाइना जो है उसे डील कर रहा है, और ओवर द टाइम उसका कोई सोल्यूशन भी आएगा। कि जैसे इंडिया के एक मिनिस्टर साहब से जब पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है, ये चाइना है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं पॉइंट करती हैं कि ये कोई चीज अच्छी हो सकती है, और मेरा ख्याल से मैं एग्री करता हूं मुशर्रफ साहब से कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है कि खामोश है। जल्दी साहब आपकी तरफ आता हूं। अगला सवाल, जो कि मेरे बड़े दोस्त और बड़े जानने वाले ये सवाल मुझे भेज रहे होते हैं, और अभी भी फेसबुक पे ये सवाल आ रहा है कि सर ये हमारे लिए क्या कोई 1962 मोमेंट है, क्योंकि वो जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी क्या वापस आएगी अगर मामला एस्केलेट होते हैं। अच्छा सर, मैं शायद प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आपका जवाब क्या होगा, लेकिन आई मस्ट आस्क, क्योंकि लोग भेज रहे हैं कि जी ये सवाल जो है ये पूछा जाए कि क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। देखिए, कभी भी किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल जीरो या वन या मतलब नहीं हमें देखना चाहिए, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे पहले मैं समझता हूँ, इवन पर्सनल लाइफ में हम जब देखते हैं कि आप रोड पे जा रहे हैं और आपको कोई चीज शाइनी सी नजर आती है, कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, कोई नई हाउसिंग सोसाइटी खुली है, कुछ
कोई ऐसी कोई प्लेग्राउंड जो है नया खुला है, तो आप इंडिकेटर देने से पहले जरूर सोचते हैं कि जेब में कितना कैश पड़ा हुआ है, अगर एटीएम जा सकते हैं तो कितना निकाल पाएंगे, और जो है फिर कितना एंजॉय कर पाएंगे। अगर बड़ी फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो इवन अगर आपके पास इतना हो तो, लेकिन आपने सबके साथ शेयर करना है, यानी कि आप किसी प्लेग्राउंड जाते हैं आइसक्रीम, दिस इज अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री डिजर्व्स आइसक्रीम। द पॉइंट इज के ये एक हमारे मुल्क का जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। आप लोग बाहर, मुल्क से बाहर जो है आपका रहना भी हुआ है, आप ट्रैवल भी पूरी दुनिया में करते हैं, आप मुझे खुद बताइए कोई जगह हमें नहीं मिलती जहां पाकिस्तान जो है या पाकिस्तानी जो है वो विकेट पे खड़ा होके आंखें बंद करके एक हाथ से छक्के ना मार रहा हो। लेकिन वही पाकिस्तानी जब यहाँ होते हैं पाकिस्तान में, तो उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल एक अजीब किस्म के, मतलब ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं लोग। इसका मतलब ये है कि देर इज ए वेरी डिस्टिंक्ट नीड टू फोकस ऑन हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी एट होम। उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, उस स्पेस के लिए पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। एक्सपेंसिव टेरिटोरी रेजिंग या पावर प्रोजेक्टिंग मेरा नहीं ख्याल कभी पाक फौज में भी डिस्कस हुआ होगा। जरूर देखें, हर तरह की सिनेरियो बिल्डिंग तो होती होगी, ऐसे पेपर जरूर होंगे, शायद कोई अफसर कहता हो यार हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट एज अ कोर अगर आप पाकिस्तान का बिहेवियर देखें तो सारा का सारा बिहेवियर डिफेंसिव है। जो ऑफेंसिव लगता है वो भी डिफेंसिव है। लोग कहते हैं जी कारगिल में ऑफेंसिव था, ऑफेंसिव नहीं था, कारगिल वॉज अबाउट द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ कश्मीर। आप कल को कश्मीर रिजोल्व कर दें, आपकी सारे जो इश्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली ऑफ द टेबल चले जाएंगे। मुझे साहब, मैं काउंटर आर्गुमेंट देता हूं। मेरे यहाँ हिंदुस्तानी दोस्त हम उठते बैठते हैं, साथ उठते बैठते हैं, साथ काम भी करते हैं, उनका कहना ये होता है कि जी हम ये जो गिलगित बल्तिस्तान की और ये जो एक्सपेंशनिज्म की बातें करते हैं ना, ये तो सिर्फ एक थ्रेट ही है तुम लोगों को पीछे रखने के लिए, क्योंकि एक्सपेंशनिज्म तुम लोगों की तरफ से है कि जी जो कश्मीर है ये बाकी जो हमारे पास जो है ये तुम लोगों को चाहिए। हम तो जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर तो कई दफा शास्त्री साहब के जमाने में हम ये इंडिकेशन दे चुके हैं कि चलो जी इसी को जो है मान लिया जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर और मामला खत्म किया जाए, कह रहे हैं। तो वाजपेयी साहब भी इसके ऊपर थोड़े बहुत अग्री कर गए थे, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो तो कहते हैं आपका एक्सपेंशनिज्म का एजेंडा है, आप जो है ये जो बाकी अनफिनिश्ड बिजनेस है इसके पीछे आप लगे हुए, हम तो नहीं लगे हुए, हम तो कहते हैं इसी को मानो, सेटल करो, मामला खत्म करो। देख वो आपके दोस्त बड़े प्यारे होंगे, मेरे भी जितने भी हिंदुस्तानी दोस्त हैं वो इतने प्यारे हैं, मुझे ऑनेस्टली लाइक इतने दिल से चाहते हैं पाकिस्तानियों को, कोई उनके अंदर नफरत जो है मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं की। और मेरे त्यौहार और मेरा मजहब और दीन पे ना सिर्फ कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमेशा एक तरह से यू नो हेल्पफुल और सपोर्टिव। लेकिन इंसानों का जो इंडिविजुअल इंगेजमेंट होता है और स्टेट्स का जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, उसमें जो चीज हमें सेपरेट करनी पड़ती है वो अपनी फीलिंग्स करनी पड़ती हैं। अक्सर जो हमारे हिंदुस्तानी कजन्स हैं, बहन भाई हैं, जिस तरह भी आप उनको डिस्क्राइब करना चाहें, वो उनके अंदर इमोशंस का जो फैकल्टी है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वो बहुत भरपूर है, और वो समझ में भी आती है क्योंकि वो उनके ख्याल में ये एक बहुत पूरा का पूरा खत्ता जो है वो इंडियन रिपब्लिक होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हिस्टोरिकल है, ये पूरा का पूरा खत्ता कभी भी एक मुनज्जम रिपब्लिक नहीं था हिस्ट्री में, और कभी शायद हो भी ना सके। इवन जो जिस चीज को हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये बड़ा दिलकश और बड़ा बोल्ड और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नेशन बिल्डिंग का। इस प्रोजेक्ट के लिए तीन चार चीजें जरूरी हैं। एक तो सर्वाइवल जरूरी है जिसके लिए हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गए। दूसरा, अंदर जो लोग इसके रहते हैं उनका एटलीस्ट अगर वो खुश ना हो प्रोजेक्ट के साथ तो कम से कम उनकी नाखुशी के जो वजूहात हैं उनको रिमूव करना बड़ा जरूरी है। अगर किसी को पीने का पानी नहीं मैसर तो वो उसी जमीन को जिसको आप माँ धरती बोलते हैं या मैं जिसके लिए मरने को तैयार हूं वो शायद उसको गालियां दे। तो जब तक हम उनको एक नस्ली की बोतल पानी की नहीं देते रीजनेबली ठंडी और वो पी के उनको तस्कीन ना हो, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन करना कि उनका धरती के साथ ताल्लुक वही होगा जो मेरा और आपका है, ये बड़ा अनफेयर है। सो द पॉइंट इज के वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एट होम एंड वी ऑल्सो हैव ए लेजिटिमेट क्लेम ऑन द पीपल ऑफ कश्मीर। लोग कश्मीर के कल कह दें कि हम खुश हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की पूरी मॉरल ग्राउंड खत्म हो जाएगी, लेकिन लीगल ग्राउंड तब भी खत्म नहीं होगी। अगर कल हर कश्मीरी कहे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें सब को हिंदुस्तान से प्यार है, तो
फिर भी पाकिस्तान को जो यूएन पे मौकफ है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो मौकफ जो है एक लीगल प्रोसेस के थ्रू डिफाइन हुआ है। तो इसमें तीन चार एलिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, कश्मीर के लोगों के हकूक हैं, और इसका इंटरनेशनल और लीगल स्टेटस है। इन सब चीजों को अलग अलग देखना भी जरूरी है और मिलजुल के भी देखना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर मिजबा आजम साहब, आपकी तरफ आता हूँ, और सर इस बात के भी जवाब दे दीजिए, अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको इस पूरे गेम के अंदर, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई है अपॉर्चुनिटी? और बाकी मुशर्रफ साहब ने जो बात की है और मैंने जो एक सिनेरियो दिया, जो डिस्कशन हमारी भी होती रहती है, आपकी भी डिस्कशन होती रहती है यहाँ हिंदुस्तानियों के साथ, उस पर कितना एग्री करेंगे आप? देखिए अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि जब आप कहते हैं अपॉर्चुनिटी तो आप किस आपका लेवल क्या है? सवाल जो आ रहे हैं वो बड़े सिंपल हैं कि भाई 1962 में हमने गंवा दिया, अगर ये मामला एस्केलेट होता है, इंडियन फौजें वहां बिजी होती हैं, तो क्या जो कश्मीर का अनफिनिश बिजनेस है ये हम खत्म कर सकते हैं और उसको जो है फिनिश करके अपने पास ला सकते हैं? ये सवाल है। देखिए सबसे पहले 1962 में मेरा जो है अपनी थ्योरी है जो कि मैं आपसे अक्सर डिस्कस करता रहता हूं, और मैं चाहूंगा कि मैं ज़रा मुशर्रफ साहब के सामने वो थ्योरी रखूं कि वो जो था एक तरह की पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी थी, जो कि कहा जाता है कि जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लिखा था अपने डिफेंस सेक्रेटरी को कि जो ब्रिटेन के पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो 1860 में थी, जल्दी खत्म करें, ब्रेक लेना, उसके बाद में डिस्कशन तो इसी तरह आप मुझे ब्रेक लेने दें, छोटा सा ऑफर लेते हैं मिसबाह आजम साहब आपसे स्टार्ट करना है। तो दिन हजरात वेलकम बैक, डॉक्टर मिसबाह आजम आपकी तरफ जाता हूँ जी, अपॉर्चुनिटी या सो बेसिकली उन्होंने उनको ये लिखा था कि हमारे पास वन अपॉर्चुनिटी जो कि नेशंस के पास एक दफा आती है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को लिखा। तो मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि पाकिस्तान के पास वो अपॉर्चुनिटी थी जब चाइना ने उनको ऑफर किया था कि आप कश्मीर ले लें, बल्कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कहीं, लेकिन ये तक कहा था कि उन्होंने कि शायद वो इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को काट भी दें सिक्किम के थ्रू ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त, और अगर सपोज वो हो जाता तो हालात बड़े डिफरेंट होते। अपॉर्चुनिटी है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो चीजें होने जा रही हैं, अब वैसी कोई चीज तो नहीं होने जा रही। लेकिन फराज आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि मैं एक सवाल भी मुशर्रफ साहब के ऊपर रखूं जब आप इजाजत देंगे मुझे। अच्छा मुशर्रफ साहब, आपने फरमाया कि ड्यूरिंग द टाइम जब ये पठानकोट का इंसिडेंट हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपने ये फरमाया उस वक्त मिलिट्री और जो गवर्नमेंट थी वो सब चाहते थे कि हालात ठीक हों, लेकिन जो खबरें आ रही थी वो तो बड़ी डिफरेंट थी, वो तो लग रहा था कि जैसे मिलिट्री नहीं चाहती कि आप जो हैं इतनी तेज़ी से चीज़ों को नॉर्मलाइज करें इंडिया से, तो आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू होगा? डॉक्टर साहब इस पे एक्चुअली मुझे लिखना भी चाहिए और हम सबको जो है इस पे एक गहरी नजर डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हालात इतने अजीब उस पूरे जो एक्सचेंज था उसके बाद हो गए मुल्क में, और अभी तक जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो ठीक तरह सेटल हुई है चीजें। ये मैं जरूर कहूंगा विदाउट सेइंग टू मच के जो उफा में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद तवातुर के साथ जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ऑन द इशू ऑफ इंडिया, उसके विक्टिम्स जो हैं वो तीन चार तो बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। एक तो पठानकोट इन्वेस्टिगेशन थी, जो मैं नहीं समझता नेसेसरली कि फौज को एज सच कोई इतना बड़ा इशू था, या नवाज शरीफ इतने दौड़े दौड़े जो है पड़ रहे थे कि किसी तरह वो जो है पाकिस्तानियों को उसमें कसूरवार ठहराए। नाइदर ऑफ दोज टू वाज द केस इन माय रीडिंग। दूसरा जो खुर्रम दस्तगीर खान और आनंद शर्मा के दरमियान जो टॉक्स थी, जो उनके और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर्स थे, याद कीजिएगा कि फरवरी 2014 में जब डील तकरीबन अग्री हो चुकी थी, तो उस वक्त डील को फिर हमने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि इंडिया से सिग्नल्स ये आए थे कि इलेक्शन आने वाला है और टेम्परिंग का इशू होगा और नई हुकूमत के साथ इसको जो है अच्छे आसान तरीके से जो है देखा जाए। ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरा ख्याल है कि वेदर इट्स उफा पठानकोट इन्वेस्टिगेशन, उफा स्टेटमेंट, पठानकोट इन्वेस्टिगेशन, ट्रेड डील बिटवीन द शर्मा दस्तगीर ट्रेड डील, ये सारी चीजें रिविजिट करने की जरूरत है और इसमें देखना ये जरूरी है। देखें हमारे यहाँ बड़ा फैशन बन गया है कि हम 0-1 देखते हैं, या तो हम ऑल इन प्रो सिविलियन है,
सिविलियन बेचारे बिल्कुल शरीफ हैं, सबसे कॉम्पिटेंट हैं, उनसे कभी कोई गलती नहीं होती, और फौज बहुत खराब है, या हम बिल्कुल ऑपोजिट हैं, सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, जो कोई भी सिविलियन करता है वो गलत है, जो फौज कहती है वो ठीक है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये इस तरह एक्सट्रीम्स में चीजें एग्जिस्ट करती हों। इवन टेलीविजन शोज पे मैं नहीं समझता कि इन चीजों को प्रॉपरली हम अनपैक कर सकते हैं। मैंने इन तीन इंसिडेंट्स का हवाला दिया, मैं समझता हूं कि तीनों पे एक एक किताब लिखी जा सकती है। जब तक वो किताबें मल्टीपल एंगल से नहीं लिखी जाएंगी, कोई रिटायर्ड जनरल लिखे इस पे, कोई पीएमएल नून के लोग लिखें, कोई एनालिस्ट या ऑब्जर्वर्स लिखें, तीन तीन चार चार किताबें हर इशू पे, तब तक हम अखज नहीं कर पाएंगे कि क्या अहम तरीन लेसन हैं जो गलतियां उन दौरों में या उन इंसिडेंट्स में हुई, उनको आइंदा होने से किस तरह बचाया जा सकता है। और इसीलिए माशाल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद, मैं समझता हूं, एक यूनिक मुल्क है कि इट्स नॉट दैट वी डू दैट वी रिपीट न्यू मिस्टेक्स, इट्स दैट वी कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए, और ये बड़ा कोई नया आइडिया है। यार अगर आप 23 साल के हैं और आपके लिए ये नया आइडिया है तो आई अंडरस्टैंड, और माशाल्लाह ग्रेट, इस पे आप लिखें सोचें, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में 3 दफा चलाया जा चुका है, और यकीनन कुछ एलिमेंट्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो हम जब देखते हैं, जो इस वक्त अजीब खिचड़ी बनी हुई है, तो एक बड़ी तस्कीन सी पहुंचती, काश यार प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, बेचारे खान साहब को इतने मसले ना होते, ये पीएमएलक्यू वाले उनको जो है वो ना कर पाते, ये इधर उधर के एमएनए वगैरह जो है वो उनको नहीं कर पाते। लेकिन आई थिंक थिंग्स आर अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स वी मेड इन द पास्ट इन ऑर्डर टू आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर अ बेटर फ्यूचर। खवातीन हज़रात, मुश्ताक अज़ीज़ साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मिसबाह आज़म साहब बहुत शुक्रिया। तशनगी रह गई खवातीन हज़रात, हम मज़ीद टॉपिक में डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है इसलिए शो खत्म करना पड़ेगा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।